Hey guys, welcome back to the video. दोस्तों ये है Samsung Galaxy S20 FE 5G और दोस्तों यहाँ पे फरवरी मंथ चल रहा है और इसमें एक नया अपडेट रिसीव हुआ है। आखिर इस अपडेट का क्या जरूरत था, इस अपडेट के साथ साथ आपका कौन सा फीचर देखने को मिलता है, क्या क्या परेशानियां हो रही है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों और मेक श्योर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी Samsung Galaxy S20 FE 5G के बारे में। दोस्तों यहां पे ये डिवाइस है ना, बहुत सारे लोगों के पास है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है और यहां पे इसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा हुई थी। यहां पे Samsung भी अपने वादे पे टिका हुआ है। Samsung ने कहा था कि इसमें फ्रीक्वेंटली अपडेट्स देखने को मिलेंगे। क्या दोस्तों, तो यहां पे अपडेट आ रहा है क्योंकि यहां पे कुछ दिनों पहले एक अपडेट दिया गया था जो कि था 71 MB का, उसके बाद फिर से इसमें एक नया अपडेट रोल आउट करा दिया गया है। तो अब दोस्तों इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में बात करें तो इसमें 218 MB का फाइल साइज इसका होने वाला है। अब दोस्तों इस अपडेट में अब फीचर्स के नाम पे तो चेंज लॉग में लिखा गया कुछ नए फीचर्स है और दोस्तों यहां पे बग्स फिक्स किया गया, स्टेबिलिटी बढ़ाया गया, तो चेंज लॉग में ये बातें लिखी गई है। बट दोस्तों मुझे यहां पे इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फीचर्स कुछ नया दिखा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स दो चार दिख गए मुझे। दोस्तों यहां पे इस अपडेट के साथ आपके सिक्योरिटी पैच को बढ़ाया गया है। यहां पे इसमें अब जनवरी का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस अपडेट के साथ दोस्तों मुझे कोई और फीचर देखने को नहीं मिला है फिलहाल के लिए। हां, एक छोटा सा फीचर मुझे देखने को मिला। पहले मुझे परेशानी होती थी कि मैं कोई भी स्क्रीनशॉट लेता था, इसका एज पैनल वाला जो है वो हिस्सा भी वहां पे स्क्रीनशॉट में आ जाता था तो देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता था। तो अभी उसको जो है फिक्स कर दिया गया। अब जो है आप स्क्रीनशॉट लोगे तो एज पैनल नहीं आता उसमें, तो ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। छोटा सा माइनर सा चीज है यहां पे इंप्रूव हुआ है। बट दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ा देखने को मिला है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे कैमरा सेप्टेन के बारे में बात करें तो कैमराज में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिला है। क्वालिटी वाइज तो कोई भी प्रॉब्लम यहां पे इशू फेस नहीं हुआ है, बट यहां पे दोस्तों सेंसर शिफ्टिंग जो है ना उसमें थोड़ा सा जिटर्स देखने को मिल रहा है। पहले दोस्तों ये बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से सेंसर को शिफ्ट कर देता था जब आप वाइड से अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो पे जाते थे, लेकिन अब दोस्तों यहां पे वाइड से जब अल्ट्रा वाइड पे आप जाओगे तो हल्का सा जीटर आपको देखने को मिलेगा अगर आप फ्रीक्वेंटली कैमरा पहले यूज करते थे तो। यहां पे मुझे एक दूसरा प्रॉब्लम भी देखने को मिला है। वैसे दोस्तों यहां पे इस डिवाइस में 4500 mAh की बैटरी आती है। नो डाउट यहां पे बैटरी जो है mAh वाइज अच्छा है, बट यहां पे ऑप्टिमाइजेशन पता नहीं कैसे किया है Samsung। इसका पहले बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा घटिया मिलता था। उसके बाद दोस्तों UI 5 का अपडेट जो बेस अपडेट था उसका UI 5 Android 13 वाला, तो उस अपडेट के आने के बाद इस डिवाइस का SOT बढ़ गया था। यहां पे मुझे 5 घंटे से ऊपर का SOT मिल रहा था नॉर्मल यूजर्स में। कोई मैं गेम उम ज्यादा हेवी नहीं खेलता इसके अंदर। बट दोस्तों इसमें जो नया वाला सिक्योरिटी पैच वाला अपडेट मैंने इसको इंस्टॉल किया उसके बाद से इसमें बैटरी बैकअप इतना ज्यादा घटिया हो गई है। यानी पहले जैसा बैटरी बैकअप अब देखने को मिलता है 3.5 घंटे से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मुझे अब देखने को मिलता है। पता नहीं Samsung किस हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये बैटरी बैकअप कभी अच्छा होता है तो फिर कभी खराब हो जाता है। तो यहां पे मैंने इसको जो है 120 हर्ट्ज पे यूज किया था और दोस्तों यहां पे मैंने इसमें कोई गेमिंग नहीं किया था। अगर आप लोगों में से किसी ने इस अपडेट को इंस्टॉल किया है तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो नीचे में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। खैर दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, क्या इस अपडेट को इंस्टॉल करे या फिर ना करे। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि सिक्योरिटी पैच लेवल को हमेशा इंस्टॉल करते रहना चाहिए, वो आपकी डिवाइस के सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। बट दोस्तों सिक्योरिटी पैच के साथ यहां पे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम जो आ रही है ना, इस कारण से थोड़ा सा मतलब यहां पे दिक्कत हो जाती है। खैर दोस्तों अगर आप लोग को अभी बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है तो इसको इंस्टॉल मत करो, ठीक है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, Samsung डेफिनेटली इसमें फिर एक नया अपडेट देने वाला है इसी मंथ। उसके बाद से हो सकता है कि आपका डिवाइस फिर से मतलब अच्छा स्थिति पे आ जाए, तब आप उसको इंस्टॉल कर लेना। खैर ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो यार प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।